Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Evie and Nana's vlog. Welcome to Eno's channel. Welcome to Evie Nana's Oscar channel. ये अच्छा है. Okay, तो हम आ चुके हैं घर पे और सुबह से स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि सुबह जल्दी एक्चुअली ना क्या होता है कि मैं उठती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मैं थक जाती हूँ थोड़ा सा, तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ, फिर खाना वाना बनाओ और फिर भागो, तो टाइम ही नहीं मिलता. और ये पकड़ के लिए आई है, मैं ये दिखाना चाहती हूँ, मैंने ब्लॉग भी अभी हम ना कुछ और करने वाले थे आज ब्लॉग में, बट सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया है कि ये बंदी ना कुछ पकड़ के लिए आई है, मैं तो दिखा भी नहीं पाऊंगी ना, मैं नहीं दिखा पाऊंगी. ये ना छिपकली पकड़ लेती है गाइस. नानू के अंदर ये भी टैलेंट है कि वो घर में, हमारे घर में छिपकली आती है तो वो पकड़ लेती है उसको ऐसे और फिर बाहर फेंक आती है, मतलब रखाएगी कहीं पे पेड़ वेड़ पे और या फिर किसी वॉल पे छोड़ आती है, मतलब मारती नहीं है वो, ऐसे मार मार के नहीं भगाती, उसको पता नहीं आदत है, वो पकड़ लेती है. एक दिन तो चूहा भी घुस गया था घर में, मोटा वाला, वो भी पकड़ के बाहर छोड़ के आई है. तो उसका ये है कि वो ना मारने नहीं देती किसी भी चीज़ को, किसी भी छोटे ऐसे एनिमल को, ना वो खुद मारती है ना मारने देती है, और इसलिए वो उठाती है और उनको छोड़ाती है. मेरे को छिपकली से इतना इतना पता नहीं, अजीब सा होता है ना, मैं देख भी नहीं सकती, पर वो पता नहीं कैसे पकड़ लेती है. और चलिए देखो, आ गई आ गई, चली गई आराम से घूमने. क्या है, बढ़िया बढ़िया, क्यों मुंह बना रखी है, बढ़िया बढ़िया. नानू ने किया कांड. नानू क्या कर दिया तुमने, इतनी सीरियस होकर लगी पड़ी है बेचारी. एक्चुअली मंगाए थे मोमो, इस लड़की ने करिका का एड्रेस डाल रखा था लास्ट टाइम, क्योंकि वहीं पे चाउमीन मंगाए थे अभी जब गए थे नेल्स कराने, तो इसने वहीं का एड्रेस चेंज नहीं किया और हमारे घर के पे ना आके वो करिका घर पे चला गया और करिका ने मना कर दिया कि मेरा तो नहीं है, किसी और का होएगा. वो मोमो कहाँ जाएंगे, कौन खाएगा, भगवान जाने. तो ले आई तुम अपना बर्गर, बर्गर कह रही हो अपना मोमो. बेचारा ना, जब मैं को कॉल रिसीव किया ना, मैं तो मैं को ऐसा एकदम चिल्ला कर, मतलब एक बड़ा थोड़ी आवाज हो ही जाती है ना यार, वो तो बोलता है कि पहले करिका ने उसको बोल दिया कि हाँ मेरा नहीं है, दूसरे का होगा, वो दूसरे के पास गया तो बोलता है हमने ऑर्डर नहीं किया कुछ. वो बोलता है कि फोन जब उठाया मैंने तीन चार बार करने के बाद उठाया तो बोलता है नहीं अभी नहीं, वो अभी ये लोग मेरे को सुना रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है. मैं बोला सॉरी भाई, मेरी मिस्टेक है, मेरे से गलती हो गई. उसके बाद ऐसा हो गया, अच्छा कोई बात नहीं. मैंने बोला भाई उधर ही रुको, नहीं कहाँ आना है, मैंने आपका ही मत, आप इसी जगह पे रुके रहो. मैं जैसे गया वहां पे पहुंचे, बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा था वो बिल्डिंग के बाहर ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे एकदम ऐसी शक्ल बनाई हुई थी उसकी, उतर गई थी पूरी शक्ल, उतरी हुई थी उसकी. हो ही जाता यार, एक तो चार फ्लोर चढ़ा भी था बेचारा, उसके बाद से दो लोग सुना देते तो यार हो ही जाता है ना. उसके ऐसे पूरे मुंह उतरे हुए थे, मैंने ना उसके बोलने के पहले ना 10 बार उसको सॉरी बोल दिया बेचारा, ऐसे कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप कोई बात नहीं, मैंने नाम पूछा बोले नानू, हाँ हाँ ठीक है कोई बात कोई बात नहीं. मैं बोला भाई सॉरी मेरी गलती है, आपको फिर सुनना पड़ा मेरा, नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं. मैंने बोला चल ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं बोला नेक्स्ट टाइम तो ध्यान रखूंगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. बड़ा स्वीट सा बंदा था यार वो. तो आज हमारी मोमो डेट है, मोमो डेट, मोमो खाएंगे हम, मोमो डिनर आज हमारा. मोमो खाने का मन करेगा क्योंकि किसने, मम्मी ने मोमो खाए थे, मम्मी और दीदी ने उधर आज दिन में मोमो खाया, इसलिए हमारा मन करेगा कि हम भी मोमो खाएंगे. तो इसने इतने सारे मोमो मंगवाए हैं, इतने सारे, मैंने तो एक ही मंगाया. सो गाइस, आज 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 जरा कैमरा नीचे करते हुए, बस बस बिल्कुल परफेक्ट एंगल, मैं पीछे से भी देख के बता देती हूँ, अब परफेक्ट एंगल होएगा और थोड़ा सा मुझे राइट होना है, देखा बिल्कुल परफेक्टली मैंने बता दिया और नाम ने सही कर दिया. तो आज का गेम है, क्या गेम है बताओ जी, बताओ क्या गेम है. आज का गेम है जो हम आपस में नहीं खेलेंगे, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ प्ले करें, क्योंकि हमेशा मैं सब बताते कि ये गेम है यार आप घर में खेल सकते हो, पर नहीं, ये आज आप घर पे ही खेलोगे, ये गेम आज आप हमारे साथ खेलोगे, क्योंकि आज हम खेलने वाले हैं दम शराज. ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि दम शराज में मूवी के नाम या फिर कोई वर्ड, वैसे तो मूवीज के नाम वाला होता है,
और साथ में साथ हम लोग जैसे खेल लेते हैं कि हम कुछ वर्ड्स भी दे देते हैं कि उस वर्ड से वो एक्ट करेगा और उसको बताना है। तो आज का गेम है कुछ ऐसा ही। तो पर आज हम एक दूसरे को वर्ड या फिर मूवीज नहीं देंगे, हम खुद से ही डिसाइड करके, मैं खुद से ही डिसाइड करी। सपोज अगर मुझे शराबी की एक्टिंग करनी है तो मैं ऐसे करके ऐसे से करूँगी। तो मतलब अगर वो एक्टिंग, अगर इसने वो पकड़ लिया और ये इसने आंसर इसको समझ आ गया तो एक पेपर पेन पे लिख लेगी, क्योंकि आप भी ऐसे ही करोगे। आप उसको कमेंट में बताओगे कि वो कौन सी मूवी है, फर्स्ट वाली जो ईवी ने करी है और सेकेंड वाली करेगी नानू एंड थर्ड वाली फिर से मैं। तो तीन मूवीज करेंगे, तीन राउंड होंगे और जिसने भी वो तीनों के आंसर सही दिए तो आपको हम गिफ्ट देंगे। हैं? हाँ, ये तो मेरे को भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, अभी डिसाइड हुआ है। अच्छा, ओके। तो डेफिनेटली हम कुछ और कुछ ना कुछ आपको भिजवा देंगे। चलो डन। ठीक है, अपनी चीजों में से कुछ भिजवाएंगे। तो ये है आज का, इट्स लाइक अ कंपटीशन ब्रो। और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए तो पर जो पहला आएगा उसी को तो मिलेगा। अब लोग यार टाइम वाइज नहीं देखते ना, सबके पास अलग अलग टाइम होता है देखने का, ये कैसे आंसर कर सकते हो? पास नहीं, भी तो गलत होगा ना यार उनके लिए। कोई ऑफिस वाले हैं, कोई काम वाले हैं, हमारे काम का करें उसके लिए। अब क्या तुम्हें तो सारी कितना होगी? नहीं तो मतलब ये तो फर्क नहीं कोई बात है। तो अब हमारे फिर निकल से पता चलेगा कि लोग हमारे ब्लॉग के कब देखते हैं। ऐसा गाइस कभी भी ट्विस्ट हो सकता है, तो आप मिस आउट ना करें हमारे व्लॉग्स। तो ये है हमारा पहला ऐसा कुछ चैलेंज आप लोगों के साथ, ऐसा पहला गेम जो आप लोगों के साथ, हम अब आप लोग हमारे साथ खेलोगे। तो स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली चैलेंज बन गया ये, तो खेलते हैं आज। स्टार्ट करते हैं आज का गेम। पहले मैं मूवी सोच लेती हूँ, उसके बाद सोचा नहीं अब तक। सो गाइज पहला नाम तुम भी इधर कहीं बैठ सकते। सो गाइज अभी स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट मूवी का नाम। मैंने मूवी बोल दिया, मूवी। हाँ मूवी तो मूवी है। ओके तो पहला स्टार्ट करते हैं। अब मुझे कुछ नहीं बोलना है। ओह गॉड, इतनी देर में चुप कैसे रहूंगी? ओके हिंदी की इंग्लिश है यही चीज आपको कल के ब्लॉग में दिखेगी कि आपने आंसर सही किया था या नहीं। और ये मैं अभी नहीं देखने वाली हूँ, ये कल का ब्लॉग हम शूट करेंगे तभी मेरे को पता चलेगा इसने आंसर सही लिखा है कि नहीं। यस, अब नेक्स्ट मेरे पेन में तो नेक्स्ट है। नहीं, जोरों शोरों से स्वागत किया जाए हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट का, नानू सुनैना। नानू सुनैना डॉट नानू, तालियां गाइस, तालियां। हम स्टेज पे आ गए, मूवी ढूंढने तो वाले मुझे। सो गाइज यहाँ पे अब जगह चेंज हो चुकी है, मैं आ चुकी हूँ ऑडियंस पे और ये है हमारे कंटेस्टेंट सुनैना डॉट नानू। सुनैना डॉट नानू मेरे को बड़ा मजा आती है। चलो बोलो। ये मेरे लाइफ का सबसे पहला दमशराज गाइस, पहला दमशराज। इसने आज तक नहीं खेला वैसे, एक्ट तो मैंने भी नहीं किया पर मैं दूसरी बार एक्ट किया था मैंने आज, और इसका पहली बार है जो कि आप लोगों के साथ और मेरे साथ है। We are the lucky ones. चलो स्टार्ट। ओके पूछो। अच्छा हिंदी इंग्लिश? इंग्लिश इंग्लिश मूवी, हिंदी मूवी विद इंग्लिश वर्ड। अच्छा बुक फाड़ दी, बुक का बू,
बुक बुक रखना है। अच्छा बुक रख लो गाइस, लिखो बुक में पोएम, लिखावट, राइटिंग, पढ़ना, बुक चैट करना बुक में चैट करना मैसेज बुक में मैसेज कर रहे हैं, बुक में मैसेज लिख रहे हैं, बुक में राइटिंग हो रही है, बुक में कविता, बुक में राइटिंग, बुक में लेखक, बुक में हिंदी में पढ़ रहे हैं मैसेज। एक मिनट मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरा पहली बार, हम किसी चीज को दिखा सकते हैं? ऐसे हाथ से बताना होता है। अच्छा नहीं दिखा सकते आप, वर्ड्स में बता रहे हो ना। ओके, उसके नाम का पहला शब्द काटो, फिर वहां से एक वर्ड उठा, ऐसे भी बता सकते हैं। दिखाते हैं मतलब पूरे बोल दिखा सकते हैं। ओके मैं फोन, फोन फोन में लिखा है, क्या लिखा है? मैसेज फोन में लिखा है, मैसेज चैट माँ फोन में, बुक में मैसेज लिखा है, फोन में मैसेज लिखा है फोन में लिखा क्या है फोन में क्या लिखा है गाइस? छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब भूल जाओ, बुक रखो साइड में। अच्छा बुक साइड, किताब बुक है, बुकी बुकलेट, पैसे मनी, धन रुपया, इंग्लिश में रुपये को क्या बोलते हैं? मनी, बुकी बुक में पैसे उड़ाते हैं जो। अच्छा कितना वर्ड किया पहले ये तो बता, मूवी एक ही वर्ड किया है तो बुक इतना बड़ा पहला वर्ड है, बुक पीछे का है, बुक पीछे का वर्ड है, पहले पीछे का कौन बताता है? अभी तुम कौन सा वर्ड बता रही हो? ये पहले है मनी रुपया, मनी रुपया पैसा धन, और क्या बोलते हैं मनी को? डॉलर। बस हो गया यार ये गंदी सी मूवी क्या आई है, खुद को ब्याह करने नहीं आ रही। बस हो गया बोलो, हो गया क्या? तो तुम बता ही नहीं रहे तो क्या करूं मैं? बताऊंगी, बोलो तुम, मैं हार जाऊंगी फिर और क्या होएगा, मैं बोलूंगी कि मैं हार गई। मैं, हम, मैं, नानू, हाँ ना, नानू का ना, हाँ ना क्या क्या करें? नानू ने पैसे उड़ाए नाल नल नुल क्या होता है ना से पैसे उड़ाने वाला भाई? गाइस आई गिव अप, आई गिव अप टू, मैं कर रही ना है नानू की एक्टिंग नहीं समझ पा रही हूँ तो यहाँ मेरे को तो नहीं समझ आया। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज कृपया करके नीचे कमेंट में बता दें, इसका आंसर कल ही पता चलेगा मुझे भी, ये राज कल खुलेगा। ये बात सही है, ये नहीं समझ आया मेरे को। अभी बारी है थर्ड मूवी की जो मैं आ रही हूँ सर्च करके। अभी आ चुके हैं लास्ट फाइनल राउंड पे जो कि मैं ही करने वाली हूँ, इसके लिए तो मुझे नहीं समझ आया, आई होप आपने कर लिया होगा, या तो मुझे समझने में मिस्टेक हो गई या इसने नहीं किया, तो दोनों में कुछ तो हो ही सकता है, बट होपफुली आपने उसका आंसर दे दिया होगा। अब टाइम है थर्ड का जो कि है एक और मूवी, लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश मूवी हिंदी पर नाम इंग्लिश। पार्ट ओके, पेट बड़ा 40 हाँ आगे करो, पेट स्टमक
फार्ट 40 ये हरकत ही ऐसे कर रही है बम निकाल के पेट फूल गया बम से तो 40 है 40 निकलेगा 40 फार्ट 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 कब होता है पेट में दर्द होता है तब गैस ओके ओके डन आगे का भी करो पूरा सीलिंग देखे प्लग कमल कपूर तो बोल नहीं सकती करो फैन फैन चलते तो हवा आती है हवा कैसे आती है प्लग ऑन किया तो हवा आती है झमाट पड़ता है क्या बोलना चाह रही है फैन है ऑन ऑफ फैन के ऊपर प्लेन चल रहा है फैन कैसे चल रहा है लाइट से अच्छा ठीक है अब तुम बोल सकते हो वी आर डन हियर गाइस तो ये मूवी आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी तो ये एक और मूवी थी अगर अभी भी समझ नहीं आई है तो दोबारा से दोबारा रिपीट करके देखो और आपको समझ आएगा कि नानू ने सब कुछ पोल पट्टी खोल दी है इस मूवी की तो ये था आपका हमारा गेम आपके लिए स्पेशली आपके यहाँ पे ये पूरी तरीके से अंदर बंद कर दिए गए तीनों आंसर लॉक हो गए लॉक आंसर मैंने तो लिखा ही नहीं है क्योंकि मुझे पता ही नहीं क्योंकि मुझे पता है दो मैंने पता कर लिया और एक मेरे ही था तो तीनों आंसर मेरे ही है मेरको नहीं समझ आई ने कहा बोले मेरको तुम्हें कब पता चल जाएगा ढूंढ मूवी निकाल जाएगी कोई तो होप सो आपको ये तीन के तीन आई मीन दो इसके एक मेरे समझ आया होगा हमने क्या एक्ट किया है ये मेरी लाइफ का सबसे पहला एक्ट था तो अगर आपको नहीं भी समझ आया तो कोई ऐसा बुरा मानने वाली बात नहीं है क्योंकि मैं ही बुरा मान लेती हूँ क्योंकि मुझे समझाने भी नहीं आता है मेरे को भी समझ नहीं आया और इसमें तो अच्छा क्या होगा पता नहीं और अगर नहीं भी किया तो अभी मेरे को कोई अगर आपको समझ आ गया तो आपको लिखना है तीनों आंसर जिसका भी सबसे पहले होगा और वी आर वेरी सॉरी कि अगर ऐसा बोल रहे हो कि आपने तीनों आंसर बाद में भी आप सही दे रहे हो तो बट जिसका भी हमने पहले देखा है हम उसका ही करेंगे Yes. So ध्यान से देखना जिसका भी आंसर सही होगा उसको मिलेगा कुछ तो सरप्राइज गिफ्ट हमारी तरफ से ये पता चलेगा कल के ब्लॉग में और वो सरप्राइज गिफ्ट ना हम दोनों की कोई भी चीज हो सकती है जो हम पर्सनली यूज करते हैं तो हम भिजवाएंगे आपके घर मैंने कुछ भी हो सकता है गाइस कुछ भी हो सकता है यू नेवर नो ठीक है तो मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में मुझे आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा और आई होप आपको भी नानू के आंसर्स का इंतजार रहेगा अगले व्लॉग में तो यह करते हैं वाला व्लॉग एंड आपको करना है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को माता लखाना लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम nano.nano ईवी शर्मा ईवी गोस्कर एंड हमारे ज्वाइंट अकाउंट जिसमें आपको हमारे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं वो है नानू ईवी और गाइस मूवी शॉर्ट्स भी एक यूट्यूब पर चैनल है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो और नानू वहाँ पे हम रेगुलर वीडियो भी डाल रही है yes. तो सब्सक्राइब कर लो कोई बात नहीं चलो बाय बाय सबके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है तो ढूंढने की जरूरत नहीं ज्यादा ओके बाय गुड नाइट जुडल्स